गाइस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस हमने आके मैंने 5 डेज तक कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो गाइस बस अब दीदी आ रही हैं चंडीगढ़ से और पंजाब वाली दोनों आ रही हैं दिल्ली मम्मी से मिलने के लिए। तो मम्मी से मिलने के बाद जब मम्मी के पास रहने के बाद उसका पेट भर जाएगा तब वो मेरे पास आएगी। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, हम घूमने प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाएंगे वो आपको बता देंगे हम जल्दी। तो दीदी आ रही है मम्मी के पास, तो पहले वो वहाँ पे इंजॉय करेगी फिर वो हमारे पास आएगी। तो हम वेट कर रहे हैं दीदी का और हमने भी बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया। अमृतसर की थकावट उतार ली, बड़ी दीदी के घर जो गए थे वहाँ की भी थकावट उतार ली अच्छे से सो के। और बच्चों को भी खूब सुलाया हमने अपने साथ। जब अब अच्छे से नींद पूरी हो चुकी है तो अब मैं सिलूंगी अपने सूट और फिर हम प्लानिंग करेंगे घूमने जाने की, है ना दिया? चलोगे ना? देखते कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको पता चलेगा। और मम्मी आपकी भी थकावट उतर गई ना जब हम घूमने गए थे, क्योंकि गाइस हमने 5 ही दिन तक कोई काम नहीं किया था, है ना मम्मी, कोई ब्लॉग नहीं डाला। अब डाले जब मैंने पूरी तरह फ्री हो गई, सुकून भरी नींद ले ली हमने, तब जाके हम फ्री हुए हैं। ब्लॉगिंग डालना शुरू कर चुके हैं हम, ब्लॉग डालना शुरू कर चुके हैं हम। तो आपके पास पहुंच भी गए होंगे ब्लॉग, तो जल्दी से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और लाइक और शेयर तो करना ना भूलिए। और ये रहा सात्विक, ये अपना देख रहा है टीवी और इसकी स्टडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैंने बोला बहुत इंजॉय कर लिया, अब पढ़ाई भी जरूरी है। तो ये देख रहा है आराम से अपने स्टडी पूरी करके टीवी, और मम्मी देख रही है फोन में दिखाना। मम्मी क्या देख रहे हो? मम्मी को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है तो मम्मी स्टोरी देखती है। और दिया इधर आओ, मौसी आएंगी, मौसी दिया की इधर आओ, दिया की मौसी आएंगी तो आपको तो बहुत मजा आएगा बाबू, है ना? बुला लूं मौसी को, बोल दो आ जाओ मौसी जी, बोलो कैमरे में बोलो, मौसी आ जाएंगी जल्दी, बोलो। और आज मैं सूट सिलने वाली हूँ, मैंने सोचा चलो दीदी को आने में कभी 4-5 दिन है तो इतने ही दिनों में हम अपने सूट वगैरह स्टिचिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। मैं गीता दीदी से सीख के आई थी कुछ। हेलो, लाइट ही चले गई गाइस। तो मैं गीता दीदी के यहाँ से सीख के आई थी थोड़े बहुत स्टिचिंग करना, कटिंग करना। तो गाइस घर में आ गए, तो यहाँ पे लाइट बहुत जाती है और हम पे इन्वर्टर भी नहीं है तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। दीदी आए और ऐसे लाइट चलेगी तो माय गॉड कैसे रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर होते हैं उतनी गर्मी बढ़ जाती है। तो गाइस शाम के खाने में हम बना रहे हैं कुछ भी नहीं वो इसलिए है क्योंकि गाइस अभी दीदी की बेटी आ रही है घर पे, तो अमित उनको लेने गए हुए हैं। तो दीदी छोले और भटूरे भेजेंगी, उनकी बेटी का बर्थडे है तो उन्होंने छोले भटूरे बनाया, तो दीदी ही खाना भेज रही है, इसलिए हमने आज कुछ भी नहीं बनाया। बच्चों को खाना खिला दिया, बस अब बचे हैं मैं, अमित और मम्मी, वो दीदी भेज देंगी तो फिर हम वही खा लेंगे और बाकी दीदी के बच्चों को खा कर आएंगे। तो आज हम कुछ नहीं बनाने वाले, बस दीदी के बच्चों का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आएंगे आपसे मिलवाती हूँ। अभी हर्षिता आने वाली है दीदी की बेटी, तो मम्मी जब तक मटर छील रही है और मैं थोड़ा सा समेटा वगैरह कर देती हूँ और उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। तो गाइस दीदी की बेटियां आ गई है और ये रही हर्षिता और नुन्नू के लिए सरप्राइज लेकर आए थे, खुशी को लेकर आए थे, तो नुन्नू तो इतना खुश हो गया। अब इतना तेरे सरप्राइज लेकर आया, मैंने कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आया, देखा तो खुशी थी वो तो और खुशी के साथ दिया भी खुश है और नुन्नू भी खुश है, नाम इसलिए इसका नाम खुशी रखा है। तो हर्षिता के लिए कितने दिन बाद व्लॉग आया था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे इसलिए हमने लेट डाले थे व्लॉग, बट आज से बनाऊंगी मैं जल्दी। तो देखिए खुशी के साथ कितनी ज्यादा खुशी दिया, खाना भी नहीं खा रही और ना ही खाने दे रही किसी को। ओ वाओ, अभी जब तक हर्षिता नहीं आई थी जब तक तो कह रही थी हर्षिता के साथ मैं नहीं खेलूंगी, दीदी के साथ, हाँ हंसो दीदी के साथ मैं नहीं खेलूंगी, ये ले इज्जत ही नहीं है। सही में जो बड़ी बहन की इज्जत ही नहीं है। ओ मेरा लल्ला को रुला दी मेरे बच्चे को। और गाइस देखिए ये बच्चों ने पर्दे खींच के पूरी डंडी रोड निकाल दी पर्दे समेत, नीचे नहीं आया, बच गए लेकिन बच्चे नीचे नहीं आए और ये बच्चे खेल रहे हैं अंदर। और हमारे कान्हा जी के भी फ्रेंड आ गए हैं, देखो कितने प्यारे हैं, कान्हा जी लेकर आते हैं हर्षिता को, हर्षिता
हर्षिता ने भी चेंज कर लिया। इसका रिमोट भी हर्षिता ऐसी ना। जस्ट अभी ये बच्चे ने दिया खा रही है पोहा, रात में अभी पोहा बना था, सबने खा लिया, दिया लगी हुई है अपने खाने में, दोनों बच्चों ने भी खा लिया। देखो देखो आते ही अपनी गेम्स दिखाता है, बस इसका तो काम ही है ये, कोई बच्चा आ जाए सबको अपनी गेम सा। अभी हम गाइस बाहर गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, बट आइसक्रीम वाला ही नहीं मिला, हम इतनी लेट गए थे, 12 बजे गए थे तो आइसक्रीम वाला मिला नहीं, तो हम ऐसे ही वापस आ गए, बच्चों को लेकर जाएंगे कल। और इस टाइम पे अभी पास्ता पार्टी हो रही है, सॉरी पास्ता पोहा पार्टी हो रही है। देखिए दिया और दिया के पापा जी खा रहे हैं पोहा, बाकी हम सब नहीं खा रहे, हम सब सोने के मूड में हैं, तो बस सोने ही लगे हैं। इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। तो गाइस देखिए दिया का पोहा, दिया पोहा खा रही है, कह रही है मुझे दिखाओ यम्मी है। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।